أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے تو آج میں آپ کو دکھاؤں گا مسجد کوبا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس کی بنیاد رکھی ہے یعنی اپنے دست مبارک سے اس کا پتھر رکھا ہے تو میں ابھی گاڑی میں چڑھا ہے انشاءاللہ تعالی میں دیکھتا ہوں کب پہنچوں گا ادھر تقریباً 5-10 منٹ لگیں گے انشاءاللہ تعالی آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی تو ہم چل پڑے گاڑی میں देखते हैं कितना टाइम लगेगा आपको मैं दिखाऊंगा सीनरी यहाँ की ये वॉकवे बहुत ही खूबसूरत वॉकवे है ये देखिए अमूमन तो सारे यहाँ पे पैदल आते हैं पैदल जाते हैं आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग हैं माशाल्लाह ये वॉकवे मस्जिद नबवी से लेके बराबर मस्जिद कूबा तक है आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है ये वॉकवे आप देख सकते हैं माशाल्लाह ताला अभी मैं वहाँ पहुँच के मैं आपको दिखाऊंगा और वहाँ के अंदरूनी मनाजिर और बाहर के मनाजिर जैसा कि आप जानते होंगे तारीख इस्लाम की अव्वल मस्जिद कूबा है ये देखिए जी कितना प्यारा वॉकवे मंजर है बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह तबारकअल्लाह पैदल आते और पैदल जाते ये देख सकते हैं आप मेरा तो पहली बार जाना है गाड़ी से तो इसीलिए मैं गाड़ी में चढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मैं पहुंच गया हूँ मस्जिद कूबा तो अभी मैं आपको दिखाऊँगा इसका बाहरी मंजर और अंदरूनी मंजर ये देखिए जी अभी यहाँ से 3 मीनार दिख रहे हैं लेकिन इसके 4 मीनार माशाल्लाह छोटे छोटे बच्चे हैं मैं थोड़ा आगे जाता हूँ तो ये रहे जरा मस्जिद कूबा जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्त मुबारक से इसकी बुनियाद रखी है आप देख सकते हैं 4 मीनार वाली मस्जिद है बहुत ही खूबसूरत मंजर है रात के टाइम बहुत ही ज़बरदस्त भी आप देख सकते हैं बहुत ही भीड़ है इधर माशाल्लाह तबारकअल्लाह इसके बारे में कहा जाता है जो यहाँ पे 2 रकात नमाज पढ़े तो 1 उम्र के बराबर सवाब है यह मस्जिद कूबा के बारे में माशाल्लाह तबारकअल्लाह यह मस्जिद कूबा आप जानते होंगे इसका कूबा इसलिए नाम पड़ा क्योंकि ये मोहल्ले का नाम था तो इसी वजह से इसका कूबे का नाम रखा गया ये आती थी कूबे के मोहल्ले में तो इसका नाम इसलिए मस्जिद कूबा रखा गया तो जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत कर दी तो हिजरत मक्का से हिजरत करके इधर आए तो यहाँ के अंसारी इसको यहाँ पर इस्तकबाल किया गया अंसारी जो यहाँ के अंसारी थे तो उन्होंने इसको उनको इस्तकबाल कर दिया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो ये वही मस्जिद है जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्त मुबारक से बनाई है देख सकते हैं आप तो मौरखीन लिखते हैं इसके बारे में कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस मस्जिद को नया बना दिया गया यानी मुख्तलिफ खिलाफत में मुख्तलिफ इसका थोड़ा नया नया बना दिया गया लेकिन पुराने नक्शे का पूरा खास व ख्याल रख दिया गया तो आज जो ये मस्जिद है इसके 4 मीनार है और 6 गुंबद है 6 गुंबद बड़े हैं और 56 छोटे गुंबद है आप देख सकते हैं माशाल्लाह अभी मैं अंदर जाऊंगा इंशाल्लाह मैं आपको अंदरूनी मनाजर इसके दिखाएंगे माशाल्लाह तबारकअल्लाह ये पानी रख दिया गया है इफ्तार के बाद देख सकते हैं जिसको जो भी जितना चाहे वो ले सकता है ये देखें ये मस्जिद मदीना से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर है तकरीबन यहाँ से मर्द हजरत का दाखिला यहाँ से है अभी मैं आपको दिखाऊंगा अंदरूनी मनाज़िर इसके इंशाल्लाह ताला ये देखिए जी
आप देख सकते हैं ये अंदरूनी मनासिर मस्जिद कुबा के माशाल्लाह तबारकअल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन तरावी पढ़ ली। तो अभी यहाँ पे ये आब जमज़म का इंतज़ाम रख दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सब लोग आब जमज़म पी रहे हैं। यहाँ पे ये देखिए जी, यहाँ पे भी आब जमज़म रख दिया गया है माशाल्लाह तबारकअल्लाह। तो अभी तरावी क्लास हुई है यानी पढ़ ली है, तो अभी ये लोग जिसको आब जमज़म पीना है वो आब जमज़म ये देख सकते हैं आप, बहुत ही ज़बरदस्त माहौल है माशाल्लाह। तो ये था अंदरूनी मनाजिर मस्जिद कुबा का। अभी हम मस्जिद से निकले बाहर बाहर की तरफ, क्योंकि मस्जिद में तरावी पढ़ के अब बाहर निकल रहे। आप देख सकते हैं माशाल्लाह तबारकअल्लाह लोगों का बहुत ही हुजूम है माशाल्लाह तबारकअल्लाह, क्योंकि तरावी पढ़ने बहुत सारे बंदे आए थे। आप देख सकते हैं ये है जी माशाल्लाह तबारकअल्लाह मस्जिद कुबा, यानी इस मस्जिद में ख़वातीन के लिए मस्जिद के अंदर एक ख़ास जगह, मस्जिद के शुमाली जानिब एक नमाज़गाह ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए मखसूस है। अल्हम्दुलिल्लाह हम नमाज़ पढ़ के बाहर आ गए तरावी पढ़ के। आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही खुशगवार माहौल है इधर माशाल्लाह तबारकअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मैं नमाज़ पढ़ के बाहर आ गया तरावी पढ़ के, तो माशाल्लाह पूरा खुशगवार माहौल है इधर। आप देख सकते हैं सुभानअल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त प्यारी प्यारी शाम है मदीना की, क्या बात है मदीना की माशाल्लाह तबारकअल्लाह। ये देख सकते हैं माशाल्लाह लोगों का हुजूम है इधर माशाल्लाह, क्योंकि रमज़ान है, रमज़ान के टाइम रात भर ये पे रहते हैं आते जाते यानी मस्जिद नबवी से कोई पैदल भी आता है कोई गाड़ी में भी आता है। गाड़ी के लिए आज 15 रियाल यानी 15 रियाल मस्जिद हराम से इधर तक वो छोटी गाड़ी जो आती है। ये यहाँ पे जाय नमाज़ों का दुकान है, ये देख सकते हैं आप। तो ये था वीडियो मस्जिद कुबा के बारे में, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो दुआ है ये अल्लाह आप सबको मस्जिद कुबा की ज़ियारत नसीब फरमाए और मदीना की ज़ियारत नसीब फरमाए सब मुसलमानों को। बाकी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।